हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप फ्रॉम यू यू आर वेरी वेल, हैप्पी एंड सेफ एट योर होम। एंड डोंट वरी अबाउट योर स्टडी बिकॉज वी आर हेयर टू कोऑपरेट यू ऑलवेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर नंबर 4, आर्टिकल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज आर्टिकल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड कम टू द पेज नंबर कम टू द पेज नंबर 24। बेटा, जैसे कि हम लोग इस क्लास में रिवीजन करने जा रहे हैं, और बेटा दो चार बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी कॉपी वर्क नहीं किया। मैंने उनसे बोला था कि आप डेट पुट करके आर्टिकल लिख करके नीचे उसके डेफिनेशन लिखेंगे। एक लाइन की डेफिनेशन है ए कॉमा एन एंड द आर आर्टिकल्स। ये देखो नीचे लिखी हुई है बेटा, ये बस इतनी सी डेफिनेशन है। उसके बाद आपको नीचे यूज ऑफ एन लिखना है, देन आफ्टर यूज ऑफ ए एन एंड द आपको सीक्वेंस से लिखना था, और उसके एग्जांपल्स मैंने आपको वीडियोस में बताए थे तो वो लिखने थे, और बाकी तो आपकी बुक में सब अवेलेबल है ही। तो चलो बच्चों, एक बात और, ये जो एक्सरसाइज है आज आपको होमवर्क में एक्टिविटी नंबर 2 एंड एक्टिविटी नंबर 3 करना है, जैसा कि मैं आपको अभी रिवाइज करा रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग। सो एक्टिविटी नंबर 1 में इंसर्ट द वेर एवर नेसेसरी, जहाँ भी द का यूज़ होना है, THE द का जहाँ भी यूज़ होना है, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ ज़रूरी है वहीं पर आपको करना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपके एक्टिविटी नंबर 3 पे है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए कॉमा एन ऑब्लिक द। तो ए एन द का जहाँ अप्रोप्रिएट रहे, जहाँ जो सही है वही। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि एन का यूज़ बेटा वहाँ, ए और एन का यूज़ तो हमको पता ही है ना कि हमेशा क्या शो करता है, कि ये सिंगुलर है, इट मीन्स वन है। एंड ये एन अगर लगा होता तो ये शो करता है कि इसके बाद, एन के बाद जो भी वर्ड आता है उसका फर्स्ट लेटर वॉवेल में होगा, जस्ट लाइक ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा। और उसके बाद अगर कोई सिंगुलर भी है बट वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सिंपली अ का यूज़ कर देंगे, इट मीन्स एप्पल, वो सॉरी एप्पल के लिए ए से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, सो इसके लिए एन एप्पल, ठीक है। तो चलो एक बार रिवाइज कर देते हैं, मैंने आपको पूरी वाली बात बताई। और हाँ, देखो इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया, ए और एन के बारे में बता दिया, अभी द का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं ये भी आपको कॉपी में लिखना है। आर्टिकल द यूज़ ऑफ द ऊपर हेडिंग लिखनी है, और नीचे लिखना है आर्टिकल द इज यूज बिफोर वर्ड दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। बच्चों इसका मतलब ये है कि हमने जब किसी के बारे में एक बार बात कर ली होती है पहले से ही, और फिर उसी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तो पहले जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कार, ओके, तो कार में बेटा अ लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद वापस से फिर कार की बात आ रही है तो द कार हो गया, ठीक है, द कार, ओके। और बच्चों द का यूज़ कहाँ करते हैं, जो वेल नोन बिल्डिंग होती है, इट मीन्स कोई फेमस बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स एंड रिवर्स एंड हेवनली बॉडीज लाइक सन मून। इसको हम ये भी कह सकते हैं जो दुनिया में सिर्फ एक चीज़ हो, बहुत ही फेमस हो और बहुत पुरानी हो, ठीक है, जिसके बारे में सभी लोग जानते हो। ये भी सोच लो, आपके लिए मैं एक बात बताती हूँ कि जो फेमस चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनके आगे द लगा देंगे, ठीक है। और जब किसी चीज़ के बारे में हम एक बार ऑलरेडी बात कर चुके हैं और फिर दोबारा उसी के ही बारे में बात कर रहे हैं तो द का यूज़ दोबारा वाले सेंटेंस में करेंगे, बट फर्स्ट वाले सेंटेंस में अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल हम देख करके करेंगे, ठीक है। और बच्चों चलो अभी एक्टिविटी नंबर 2 में देखते हैं, एफिल टावर इज इन पेरिस। तो बेटा एफिल टावर इज अ फेमस टावर, ठीक है, तो क्या आप करोगे, तो बच्चों द एफिल टावर इज इन पेरिस, ओके। सो बच्चों ये जरूर याद रखना कि अगर हम लोग कोई भी लेटर फर्स्ट वर्ड लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा। और दूसरी बात कि अगर कोई नाम है,
इट मीन्स एनी नेमिंग वर्ड्स, ठीक है, जस्ट लाइक एफिल। तो इसका भी आपको कैपिटल ही फर्स्ट लेटर लिखना है। जब किसी का नाम होता है ना किसी चीज का, तो उसका कैपिटल फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और ये आपको दो एक्सरसाइज करके मुझे कॉपी में नहीं, बुक में ओनली फिल करनी है। देखो, जो फिल वाली एरिया होती है आपकी बुक में, उसको फिल करना है, ठीक है। आपको कॉपी वर्क नहीं करना है इसका। कॉपी वर्क सिर्फ डेफिनेशंस का मैंने करवाया था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने कॉपी वर्क नहीं किया, वो कॉपी वर्क डेफिनेशंस का करके देंगे कि यूज ऑफ ए एन एंड द का और डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल, पुट द हेडिंग प्रॉपरली, ओके। एंड और ये भी आपको दोनों एक्सरसाइज करनी होगी, एक्टिविटी टू और एक्टिविटी थ्री। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। एंड अगर कोई आपको प्रॉब्लम या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, बाय।